जिले के दिग्रस शहर के लक्ष्मीनगर में जारी नाले का निर्माण कार्य यहां रहने वालों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। धीमी गति से जारी इस काम से पेयजल पूर्ति खंडित होने के साथ ही संक्रामक बीमारियों का खतरा भी मंडरा रहा है। पेश है दिग्रस संवाददाता जुबैर खान की यह स्पेशल रिपोर्ट। जब से नगर पालिका में प्रशासक राज शुरू हुआ है, तब से नगर पालिका के कामकाज और जन समस्याओं की नागरिक सुविधाओं की मानो बैंड बज गई है। फिर कचरा ठेकेदारों और स्वास्थ्य विभाग कर्मियों की मनमानी से शहर में फैल रही कचरे की समस्या या गंदगी हो या फिर रास्तों और नालियों के निर्माण कार्य की देखरेख हो, सारा मामला चौपट हो चुका है। इस तर्ज पर लक्ष्मीनगर में जारी नाले के निर्माणाधीन काम की बात की जाए तो यहां जारी काम बेहद धीमी रफ्तार से जारी है। इस नाले के नीचे स्थित पेयजल पाइपलाइन उखड़ने से लक्ष्मीनगर, गंगानगर आदि इलाकों में पेयजल आपूर्ति खंडित हो चुकी है। इन सारी समस्याओं को देखकर लगता है जैसे नगरपालिका के मुख्याधिकारी और स्वास्थ्य विभाग ने आंखें मूंद कर लापरवाही का नया कीर्तिमान स्थापित करने की मानो कसम खा रखी है। स्थानीय नागरिकों द्वारा ज्ञापन सौंप कर इस समस्या से अवगत कराने के बाद भी समस्या के निपटारे के लिए कोई पुख्ता पहल नहीं की जा रही, जिस वजह से स्थानीय नागरिकों में रोष व्याप्त है। ये नगर पालिका जी पाइपलाइन जी है ये फुटलेली है आणि या पाण्यामुळे हे पूर्ण नाली भरून आहे आणि या नालीमुळे ते बांधकाम दिरंगाईने चालू आहे आणि लोकांना दूषित पाण्याचा वाटप चालू आहे। यामुळे लोकांचे आरोग्य धोक्यात येण्याची शक्यता आहे। कुल मिलाकर बात यह है कि नगर पालिका की उच्च कोटि की उदासीनता से इस नाले का काम कछुआ गति से जारी है, जिस वजह से यहां के नागरिकों को पेयजल समस्या सहित संक्रामक बीमारियों के खतरे का सामना करना पड़ रहा है। बार बार शिकायतें सौंपने के बाद भी पालिका प्रशासन अपनी निष्क्रियता और अपने निठल्लेपन की आदत को छोड़ने से बाज नहीं आ रहा। यही वजह है कि नगर पालिका को निष्क्रिय प्रशासकों के चंगुल से कब छुटकारा मिलेगा, इस बात का लोग शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। नगर परिषद नम्र विनंती कि नाली बांधकाम या पाइपलाइन फुटल्यामुळे थांबलेले आहे, तर नगर परिषद माझी नम्र विनंती आहे कि त्यांनी ताबडतोब नळाची पाइपलाइन दुरुस्त करावी आणि या फुटलेल्या पाइपलाइनमुळे याचं जे पाणी आहे, नालीचं पाणी त्या पाईपलाईनमध्ये पास होऊन लोकांच्या घरापर्यंत हे पाणी चाललेलं आहे, त्यामुळे त्यांची प्रकृतीला धोका होण्याची शक्यता आहे। तर ताबडतोब याची काळजी घ्यावी आणि पाईपलाईन त्वरित दुरुस्त करावी। ही नम्र NBCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।